उत्तर प्रदेश कासगंज में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। लोगों के मरने की खबरें लगातार सामने आ रही है। लगभग बताया जा रहा है कि इस हादसे में 15 लोग अब तक मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 54 लोग बताया जा रहा है कि इस तालाब में डूब गए। दरअसल बताया जा रहा है कि जो श्रद्धालु है वो गंगा नहाकर आ रहे थे ट्रैक्टर और ट्रॉली में बैठकर, और ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो अचानक एक तालाब में जा गिरा, जिसके बाद 54 लोग बताए जा रहे कि तालाब में डूबे और 15 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तस्वीर कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, पूरा तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इन तस्वीर इन वीडियो से इस विजुअल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा है। 15 लोगों के अब तक मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। 54 लोग इसमें डूबे थे। बताया जा रहा है कि गंगा नहाकर जो श्रद्धालु है वो आ रहे थे, अचानक ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो है इसका बैलेंस खो गया और उसके बाद ये एक पॉन्ड में जा गिरा, यानी कि तालाब में जा गिरा, और उसके बाद ये खबर सामने आती है। लोग इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट जो है वो कर रहे हैं। सरकार को बताया जा रहा है कि इसके इसमें जो लोग मारे गए हैं उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, जो लोग घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। एक तरफ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए, पेपर लीक का मामला है, यूपी कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर सामने आती है, खबर कासगंज की है, आप देख सकते हैं News24, द ललन टॉप, बहुत सारे वेबसाइट ने इस खबर को छापा है। लगातार इसका जो विजुअल है वो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू का काम लगातार वहां पे जारी है, बुलडोजर मंगवाया गया जिससे रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं द ललन टॉप ने इस खबर को लिखा है, छापा है अपने ट्विटर हैंडल पे, लिखा है उत्तर प्रदेश कासगंज में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी है कि श्रद्धालु से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक तालाब में गिर गई। घटना में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। तो ये खबर है जो सामने आती है उत्तर प्रदेश में, जो एक बड़ा हादसा हुआ कासगंज में, उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।